हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थियोरेटिकली ख़त्म हो चुका है। अब बाबू प्रैक्टिकल चर्चा करनी है, बताया। मुझे लगता भी नहीं बेटा इस चैप्टर से थियोरेटिकली कुछ आएगा। बिल्कुल सीरियस नोट पर। बाबू, आना चाहिए प्रैक्टिकल ही, हर हाल में एक या दो। ठीक है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये आप देखो। ठीक है जी, मैंने बता दिया कि मेरी चॉइस क्या है अगर मुझे पेपर बनाना है। अब रही बात बेटा न्यूमेरिकल्स की, घूम फिर के एक ही फॉर्मूला पे सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं। एक ही फॉर्मूला है। ठीक है जी, जो बच्चे नहीं भी आए थे आज भी समझने की कोशिश करोगे, थ्योरेटिक नहीं भी होता तब भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। लो जी बाबू, एक ही फॉर्मूला है, आपको याद होगा, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बाबू हम बात परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा अगर प्राइस एक सर्टेन परसेंटेज से चेंज हो जाए उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी, यही बताता है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम डिनोट करते हैं विद पीडी। याद होगी बात बाबू। अब इसी टर्म को मेरे को कैसे लिख सकता हूँ ये देखना है। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने इस टर्म को ऐसे लिखा था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। बाबू डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। सब पढ़ रहे हैं मुझसे शुरू से ही, पहले दिन ही बोलना शुरू कर दिया था शायद। बाबू डेल्टा का मतलब चेंज से है, और चेंज कैसे निकलता है? भाई बेटा अगर कोई क्वेश्चन ये कह दे कि प्राइस पहले 4 था आज 5 हो गया, प्राइस पहले 4 था आज 5 हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड पहले 120 थी आज 100 हो गया। सर अगर आप सच में चेंज निकालने के इच्छुक हो तो यही तो करोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड अब क्या हो गई और पहले क्या हो गई। 100 माइनस 120 चेंजेस 20 माइनस 20। समझ में आ रही है बेटा बात? चेंज कैसे आएगा बेटा? बाबू Q1 माइनस Q, आज क्या क्वांटिटी डिमांडेड है, पहले क्या क्वांटिटी डिमांडेड थी, आ गया चेंज। बाबू यहां पर चेंज क्या आया? 100 माइनस 120 यानी कि माइनस का 20, ये चेंज आया। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? ओरिजिनल क्वांटिटी बेटा 120 ही है। और बाबू जब आप परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो, सर बिना 100 से मल्टीप्लाई करे कौन परसेंटेज चेंज निकाल देगा भैया? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आंसर परसेंटेज में आएगा। समझ में आ रही है सारी बात? बाबू चेंज कैसे निकल सकता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी करे? सेम वे बाबू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। सर डेल्टा का मतलब ही चेंज है। बाबू अगर मुझे कभी प्राइस का चेंज कैलकुलेट करना हो कैसे कर सकते हैं? जैसे ये कर सर, P1 माइनस P, आज क्या प्राइस है? 5, पहले क्या प्राइस था? 4, तो चेंज कितना हुआ? 1 का। ओरिजिनल प्राइस कितना है? ओरिजिनल तो भैया 4 ही था पहले। कैलकुलेट हो सकता है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर मुझे यही न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो यही कर देता है। सर डेल्टा क्यू अभी आपने कैलकुलेट करा माइनस 20 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 120 मल्टीप्लाइड बाय 100%। बेटा डिवाइडेड बाय डेल्टा भी अभी कैलकुलेट करा 1, ओरिजिनल प्राइसेस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये टर्म कैलकुलेट होकर कितनी आई? ये आ रही होगी बेटा 16.67। ठीक है जी, और बाबू ये टर्म कैलकुलेट होकर कितनी आई? बेटा ये टर्म आ रही होगी 25। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि बेटा ये कुल मिला के आ रहा होगा 2/3, यानी कि इसका आंसर आ रहा होगा 0.67। एक मिनट के लिए प्लीज सामने देखते रहना बाबू। प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा माइनस में आएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, हमेशा। लेकिन जब आखिरी में आंसर लिखोगे तो बेटा माइनस साइन हटाना मत बोलना, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में रिप्रेजेंट होती है।
सारी दुनिया जानती है आंसर क्यों माइनस में आएगा, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बाबू अगर प्राइस बढ़ेगा तो सब जानते हैं ये जो सॉरी अगर प्राइस बढ़ेगा तो सब जानते हैं बेटा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। एक चीज का चेंज नेगेटिव होगा या इसका, इसलिए आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक चीज तो नेगेटिव आएगी आएगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी गिरेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली गिर जाएगी, एक चीज तो गिरेगी ना, तो आंसर तो 100% ही नेगेटिव आएगा। पर बाबू बिल्कुल फाइनल में जब आप आंसर लिखो तो बेटा नेगेटिव साइन हटाना मत भूल जाना, क्लियर है बात, पक्का से समझ में आ गई बात। बाबू इससे हम बोलते थे परसेंटेज मेथड, और बेटा इसी से बन जाता था प्रोपोर्शनेट मेथड भी, अगर आपको याद हो। बाबू बना देते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, सामने देखते रहना सब। बेटा मैंने ये डिसाइड करा ना परसेंटेज मेथड में, बाबू इसी को अगर प्रोपोर्शनेट में कन्वर्ट करना हो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, इसी को प्रोपोर्शनेट में कन्वर्ट करना है। सर 100 से 100 कैंसिल, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3। बाबू कर लो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, अगर ये याद रख सकते हो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। मैं तो इससे भी कर दूंगा, इससे भी कर दूंगा, जिससे आप कहोगे उससे कर दूंगा, क्योंकि दोनों बातें सेम है, ठीक है जी। पर ये बहुत इजी पड़ता है, बहुत इजी। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू पी अपॉन डेल्टा, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का से क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, कर देंगे क्वेश्चन स्टार्ट। बाबू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टारगेट है कम से कम 15 एग्जाम तक, 21 है, यही करने हैं, कोई होमवर्क होमवर्क नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। 2 दिन लगेंगे सारे के सारे खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगर मुझे करने हो तो सच में बेटा 1 दिन का भी मुद्दा नहीं है, अभी कुछ दिन ऐसा हो सकता है कुछ किसी किसी क्वेश्चन में फंसो, ठीक है ना, और वो फंसोगे बेटा इस वजह से नहीं कि इकोनॉमिक्स में कोई कंसेप्ट मुश्किल है, इस वजह से कि इंग्लिश सही से नहीं पढ़नी आती, एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको। मैथ्स में अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल में बच्चा फंसता तब है जब उसे इंग्लिश ढंग से पढ़नी नहीं आती, ये चीज़ें मैं कई बार प्रूव करूंगा आपके सामने, अकाउंट्स में भी देख लेना। चलो खैर पढ़ते हैं बेटा, कहते हैं व्हेन प्राइस इज 10 पर यूनिट डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज 100 यूनिट। बाबू अगर प्राइस 10 था किसी कॉमोडिटी का तो बेटा उसकी डिमांड 100 थी, एज द प्राइस फॉल्स टू 8 पर यूनिट, अगर प्राइस गिर के 8 तक आ जाए, मुझे लगता है शायद इस वर्ड का मतलब पता होगा 2। बाबू अगर प्राइस गिर के 8 तक आ जाए फिर क्या होगा, कहता है डिमांड एक्सपेंड्स टू 150 यूनिट, डिमांड कितनी हो जाती है 150 हो जाती है, कैलकुलेट कर दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आओ जी बाबू प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, प्राइस गिर के 8 तक आ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 150 तक आ गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना, वो तो मैं कैलकुलेट कर ही रहा हूँ। सर डिग्री याद है इलास्टिसिटी की, डिग्रीज याद है, अरे डिग्री नहीं यार, 5 तरीके की इलास्टिसिटी पड़ी है, क्या हो गया ईडी 0 ईडी इन्फिनिटी और मोर देन 1 और लेस देन 1 और 1, याद है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड या हाई की क्या कह सकते हो बाबू, लेस इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सर जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ना तो किसी किसी क्वेश्चन में ना मुझसे डिग्री भी पूछी जाएगी, अगर एक से ज्यादा आंसर आ जाए तो लिख देना मोर इलास्टिक डिमांड हाई इलास्टिक डिमांड, बाबू लेस देन 1 आ जाए तो लेस इलास्टिक डिमांड, एग्जैक्टली 1 आ जाए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इन्फिनिटी आ जाए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बाबू 0 आ जाए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। बस ये थ्योरी काम आ रही है अब, ठीक है। अब सर ये कहानी है पूरी की पूरी, प्राइस 100 था 10 था तो 100 क्वांटिटी डिमांडेड थी, प्राइस 8 तक पहुंचा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई बेटा 150। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, अभी हमने देखा बाबू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी, यही था फॉर्मूला, इससे चले चाहे परसेंटेज से चलो चाहे प्रोपोर्शन से चलो, ठीक है जी। अब उसमें
परेशानी बच्चों को एक आएगी अगर परसेंटेज से चलोगे। पहले बेटा न्यूमरेटर की को परसेंटेज में लाओगे, फिर डिनोमिनेटर को परसेंटेज में लाओगे, फिर बेटा अगर आंसर पॉइंट में आ रहा होगा तो तीसरी बार फिर कैलकुलेशन करोगे। इसमें एक ही बार कैलकुलेशन करोगे सब कुछ निपट जाएगा। अब आपने सोचना है आपके लिए क्या आसान है, ठीक है जी। मुझे कोई परेशानी नहीं किसी भी तरीके से। बाबू चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ सब सामने देखेंगे। सर ये है ना क्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, ये क्यू वन है, ऐसे ही ये पी है, ओरिजिनल प्राइस तो 10 था, बाद में प्राइस गिर के 8 तक आया। सर चेंज कितना हुआ, क्यू वन माइनस क्यू, डेल्टा क्यू कैसे निकलता है बेटा, क्यू वन माइनस क्यू ऐसे ही तो निकलता है, निकालो जी चेंज। बेटा क्यू वन माइनस क्यू कितना आया चेंज, 50। बाबू मल्टीप्लाइड बाय पी कितना है, 10। बाबू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 100 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी। बाबू डेल्टा पी कैसे निकलता है, पी वन माइनस पी। बाबू 8 माइनस 10 यानी कि माइनस का 2। ये तो मैंने पहले ही बोला है, एक चीज तो यार एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी पक्का गिरेगी, ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, पक्की बात प्राइस इलास्टिसिटी का। तो सर यहाँ पर चेंज कितना आया, माइनस 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सर इसको भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर तो क्या ही करेंगे जिंदगी में। तो बाबू इसको कैंसिल करा ये 2 आ गया, इसको कैंसिल करा ये 5 आ गया, 5 अपॉन 2 2.5 और माइनस साइन तो चल ही रहा है, ठीक है जी। सर आखिरी में जब आंसर लिखोगे तो यही लिखोगे कि प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर है, 2.5, माइनस साइन इग्नोर, ब्रैकेट में लिखोगे प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, माइनस हट जाएगा, ठीक है जी। और कोई मुझसे यहाँ डिग्री पूछे तो, डिग्री पूछे तो बाबू ये बेवकूफी मुझे नहीं चाहिए कि बिना माइनस साइन हटाए डिग्री सोचने लग गए। प्राइस इलास्टिसिटी की रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, आंसर तो नेगेटिव जाएगा ही नहीं, पहले उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेना फिर सोचना डिग्री। मोर देन वन है, हाईली इलास्टिक डिमांड, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ जाए। आओ जी प्यारे बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सर कोशिश करना मुझसे कम कराओ क्योंकि एक ही जैसे हैं 15 तक न्यूमेरिकल, कल मैंने करे ऐसा लगा होगा कुछ 2-3 मिनट, सच में मजाक छोड़ के मैंने करे घर बैठकर तो 2-3 मिनट लगे, मैंने कहा यार क्या न्यूमेरिकल है, क्या इनका लेवल है, क्या कराऊंगा बच्चों को, अगर ये लेवल है इसका सच में एक ऐसी बात है। एक काम करो पहले आप सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाए तो देखेंगे, थोड़ा सोच के करना। हुआ क्वेश्चन, हो गया हुआ प्रदीक शुकम, हो गया अच्छा जी है स्पर्श, मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार, मुझे विश्वास ही नहीं तुम्हारे ऊपर, इधर देखना चाहिए बाबू अपना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था क्या इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं समझते बेटा, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, और अगर आपने ढंग से अंग्रेजी पढ़नी आती है ना आपको तो क्वेश्चन हो गया होगा, सारा गेम अंग्रेजी का। मुझे पता क्या लगता है, हम जितने बैठे हैं ना सबसे कमजोर इंग्लिश मेरी है, पर बाबू मैं सबसे ज्यादा पेशेंस से पढ़ता हूँ, सबसे ज्यादा पेशेंस है, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है वो, तुम्हें लगता है अरे चीरा फाड़ी करो चार चीजें होनी है। आओ जी पढ़ते हैं, कहते हैं व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज 5 per kg इट्स डिमांड इज 50 kg। जब प्राइस चीनी का 5 रुपए किलो था तो डिमांड थी 50 किलो की। भाई एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ ना, लेकिन जब मैं बोलूँ ना उसके बाद लिखना छोड़ दिया करो। कहते हैं व्हेन प्राइस राइजेस बाय 5 per kg, अगर प्राइस 5 रुपए per kilo से बढ़ जाए, इट्स डिमांड फॉल्स बाय 10 kg, डिमांड 10 किलो से गिर जाएगी। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं यही लिखने में इंटरेस्टेड हूं, 2-4 चीजें। सर अगर प्राइस 5 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 50 थी। सर अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने यहां P1 लिखा और लिख दिया 5, वो गधे हैं जिनको रीड करना नहीं आता, हर क्वेश्चन में P1 Q1 नहीं दिया होगा सीधा रट्टू तोतो। उसने बोला व्हेन प्राइस राइजेस बाय 5 per kg, अगर प्राइस 5 रुपए किलो से बढ़ जाए,
यानी कि पहले पांच था, पांच से बढ़ जाएगा तो दस पे आ जाएगा। यानी कि अगर आप सोच सकते हो तो बेटा सीधा डेल्टा पी दे रखा है। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस। उसने कहा प्राइस 5 रुपए किलो से बढ़ जाए तो चेंज ही तो दे रखा है, सीधा सीधा चेंज ही तो दे रखा है। उसने कहा प्राइस 5 रुपए किलो से बढ़ जाए, और चेंज का क्या मतलब होता है? प्राइस 5 रुपए किलो से बढ़ गया, चेंज हो तो गया प्राइस में 5 रुपए किलो का। कहता है क्वांटिटी डिमांडेड 10 किलो गिर जाएगी, इट्स डिमांड फॉल्स बाय 10 kg। सर पहले 50 किलो की डिमांड है, अगर 10 किलो से डिमांड गिरेगी तो 40 आएगी, Q1 40 है। जिसने भी Q1 लिख दिया ना बेटा 10, गधा वो, उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी आती बाबू। डिमांड 10 से गिर जाएगी, यानी कि चेंज कितना होगा डिमांड में? 10 किलो का। और अगर आप समझदार हो तो बेटा ये नेगेटिव चेंज होगा। जिसने नेगेटिव नहीं लिखा समझ जाना तुम्हें कितना आता है, क्योंकि रीड ही नहीं करते तुम ढंग से। अब यार ये चार फिगर आने के बाद अगर हम फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते फिर तो भाई और लानत है। निकालो जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाबू, फॉर्मूला लगा लोगे? ठीक है बेटा, कितना था चेंज इन क्वांटिटी? -10 मल्टीप्लाइड बाय पी, ओरिजिनल प्राइस 5 बाबू, क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या आया कैलकुलेट करके? 0.20 1/5 आ रहा है ना माइनस का, बाद में माइनस साइन हटा देना क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स। बाबू अगर कोई डिग्री पूछे मुझसे तो, या मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताई देता हूँ, डिग्री पूछे कि नहीं पूछे लिखनी है हर क्वेश्चन में, उसका इंप्रेशन ही अलग होता है। बाबू लेस देन माने लेस इलास्टिक, ठीक है जी आगे बढ़। चलो जी बाबू अब एक काम करते हैं, इसकी PDF ना मैं दे देता हूँ ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बोर्ड पे फ्लैश नहीं होंगे, पर हर एक की स्पीड अलग है। मुझे पता है कुछ लोग बड़े मास्टर माइंड हैं मेरे घर में, एक सेकंड में उड़ाते हैं, 5 मिनट मेरी शक्ल देखते रहते हैं, मैं दूसरों को कराता रहता हूँ, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उनका समय खराब कर। ग्रुप में शेयर करते हैं, स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हटाएंगे। 15 क्वेश्चन का मेरा यहाँ का टारगेट है, जिसने पूरा करना है 10 मिनट में वो भी पूरा करके रखता हूँ। ठीक है जी ग्रुप में PDF शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप ये करते रहो, स्क्रीन पर भी चलता रहेगा। सर जिसकी जब प्रॉब्लम आएगी वो तो मुझे रोक देगा, मैं बोर्ड पे करूंगा क्वेश्चन जितने आप कहोगे प्रॉब्लम, अभी बैच माइंड अप नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी बैच चलता रहेगा। तो 4 स्टार्ट करो बेटा, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, मुझे 15 तक चाहिए। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय आपके लिए।